हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। जानमाल को नुकसान पहुंचाया तो ग्रामीणों ने हाथी को मारकर पूरे गांव को खिला दिया। आखिरकार ये पूरी मामला क्या है, चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आप लोग पूरी अपडेट जानने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज बताइए कि इन ग्रामीणों ने जो हाथी के साथ किया है, आपकी नजर में ये सही है या गलत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने पश्चिमी अफ्रीका के नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क से आ रहा है। ये पार्क है, वहां से एक हाथी जो है वो एक्चुअली में भाग निकला। उस दौरान ही नजदीक काफी सारे गांव थे और गांव में इस हाथी ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया, उनकी फसलें खराब करनी शुरू कर दी। अगर कोई भी सामने आता था तो उसके ऊपर हावी हो जाता था, उसको मार देता था, उसको जख्मी कर देता था। ये सब चीजें देखते हुए काफी सारे ग्रामीणों ने वहां की जो कि लाइफ पार्क है उनके अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी कि इस हाथी को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो काफी सारे लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठेंगे। पर वहां के अधिकारियों ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण ये हाथी इतना ज्यादा खूंखार हो गया कि धीरे धीरे इसने मारना एकदम शुरू कर दिया और इसने 2 से 3 लोगों की जान भी ले ली। और वहां पर ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा इससे परेशान हो गए और कोई भी अधिकारी इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहा था। इसीलिए ग्रामीणों ने खुद आपस में फैसला लिया कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक जुट बना के इस हाथी को वहीं पर धर दबोचा और वहीं पर उसको मार गिराया। इस दौरान ही वहां पर उन्होंने इसके जब वो मर गया, मरने के बाद इसका जश्न मनाया और जश्न मनाने के बाद हर एक घर में ईंट जो है वो बांटा। इस दौरान ही जब ग्रामीणों से बात की गई कि आखिरकार तुमने इसको मारा क्यों है, क्योंकि ये कानूनी अपराध है, तब वहां पर ग्रामीणों ने ये चीज बताया कि हमने अधिकारियों को इनके बारे में बताया था, सूचित किया था, पर अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया। आखिरकार हमें तो अपनी जान बचानी थी और इसीलिए हम मजबूरन इसको मारने के लिए मजबूर हो चुके थे और हमने इसको मारा और उसके बाद हमने खाया क्यों, इसका भी उनके पास रीजन है कि इतना बड़ा हाथी था वो कहां पर लेके जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है उनके पास इतने बड़े हाथी को लेके जाने के लिए। इसीलिए उसको वहीं के वहीं खत्म करके उसका मीट जो है वो हर एक घर में बांटा गया। इसीलिए हमने ये सब चीजें किया, पर हम करना नहीं चाहते थे, नहीं तो अगर ये नहीं करते तो दूसरे लोग अपनी जान गवा बैठते, छोटे छोटे बच्चे मर जाते इस हाथी के कारण, क्योंकि वो आतंक काफी ज्यादा फैला रहा था। अभी आप बताइए ग्रामीणों ने ये कदम जो उठाया है वो सही है या गलत है, अपनी समझ बूझ से कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।